This is our new Anna Physio class, in which today we will study about the remaining portion of liver. हम लोगों ने अपनी last class में liver start कर लिया था. Liver की anatomy अपन ने पढ़ी थी, उसके borders अपन ने पढ़े थे. अब आज अपन lobes पढ़ रहे हैं liver के, lobes of the liver. तो anatomical lobes देखिए. सबसे पहले डायफ्रामेटिक सरफेस पर लीवर जो है वो दो लोब्स में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट में, और ये फैल्सीपैरम लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. बीच में ब्राउन कलर का पार्ट फैल्सीपैरम लिगामेंट है, जो कि लीवर की लेफ्ट और राइट लोब को आपस में जोड़ रहा है. राइट लोब जो है वो वेज शेप्ड का बेस बनाती है लीवर का, और ये लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में राइट लोब जो है वो 6 गुना बड़ी होती है. ये भी आपको डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा है कि राइट लोब लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा बड़ी है और वेज शेप की स्ट्रक्चर बनाती है. विसरल सरफेस पर लीवर जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और कॉर्डेट. राइट लोब जो है वो गॉल ब्लैडर के लिए फोसा के राइट पर होती है, जबकि लेफ्ट लोब जो है वो फिशर के लेफ्ट पर होती है, लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम के लिए वो फिशर के लेफ्ट में होती है. क्वाड्रेट लोब गॉल ब्लैडर के लिए जो फोसा है और लिगामेंटम टेरिस के जो फिशर है उसके बीच में क्वाड्रेट लोब पाई जाती है, पोर्टा हिपैटिस के नीचे. और क्वाड्रेट लोब IVC के लिए जो ग्रूव है, लिगामेंटम वेनोसम के लिए जो फिशर है उसके बीच में पाई जाती है. और जो लाइनें मैं आपको बोल रही हूँ सारी आप डायग्राम को देखते हुए समझिए कि कौन सी किसके बीच में है, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, वो चीज़ आपको क्लियर होएगी. देखो सारी यहाँ डायग्राम बड़ा अच्छा से बताया कहाँ फॉसा फॉर ग्लॉल ब्लैडर है, कहाँ ग्रूव फॉर IVC है, तो उनसे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी. ये जो विसरल सरफेस के 4 लोब्स के डिवाइडेशन बताए हुए हैं. अब फिजियोलॉजिकल लोब्स देखें या फंक्शनल लोब्स या ट्रू लोब्स क्या हैं. तो लीवर का जो डिवीज़न है वो लोब्स में है, इंट्रा हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस के बेस पर. जो बाइल डक्ट के इंट्रा हिपैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस हैं, बाइल डक्ट के लिए, हिपैटिक आर्टरी के लिए और पोर्टल वेन के लिए, उसके बेसिस पर लीवर जो है वो लोब्स में डिवाइड हो रहा है. लीवर राइट और लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब्स में डिवाइड होता है एक इमेजिनरी सजाइटल प्लेन या सजाइटल लाइन के द्वारा, जिसको अपन कैंडलिस प्लेन या कैंडलिस लाइन भी कहते हैं. पोस्टीरियो इन्फीरियर सरफेस पर ये प्लेन जो है वो एक फॉसा से पास होता है, गॉल ब्लैडर के लिए जो फॉसा है और IVC के लिए जो ग्रूव है, वहाँ तक, वहाँ से ये पास हो रहा है. फिर क्वाड्रेट लोब जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों लोब के बीच में इक्वली शेयर्ड होता है. इसका एंटीरियो सुपीरियर जो सरफेस है, पहले अपन ने पोस्टर इन्फीरियर सरफेस के बारे में बोला था कि ये गॉल ब्लैडर के लिए जो फॉसा है उससे पास होता है और IVC के लिए जो ग्रूव है वहाँ तक जा रहा है, जबकि इसकी एंटीरियो सुपीरियर सरफेस जो है इसका प्लेन IVC से पास हो रहा है सिस्टिक नॉच तक, जो कि प्रेजेंट आर लिटिल टू द राइट ऑफ द फैल्सीपैरम लिगामेंट. फैल्सीपैरम लिगामेंट के राइट में है, सिचुएटेड है. फिजियोलॉजिकल राइट और लेफ्ट लोब जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज की होती हैं. जबकि एनाटॉमिकल तो मैंने बोला कि राइट लोब जो है वो लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में 6 गुना बड़ी, जबकि फिजियोलॉजिकल राइट लेफ्ट लोब जो है वो इक्वल साइज की होती हैं. ये देखिए डायग्राम पूरा बताया हुआ है सारा कि कौन कैसे क्या डिवाइड हो रहा है. इस डायग्राम को अच्छे से देखिए. राइट लेफ्ट जो ट्रू लोब्स हैं उनके बीच में देखो डिमार्केशन अच्छे से बताया हुआ है, कैसे ये IVC ग्रूव से होती हुई फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर से होती हुई ये जा रही है. तो डायग्राम को अच्छे से देखिए, आपको ये लाइनें समझ में आ जाएंगी. अब हिपैटिक लिगामेंट्स यानी लीवर के सेगमेंट्स, हिपैटिक सेगमेंट्स या लीवर के सेगमेंट्स, तो 8 हिपैटिक सेगमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं. जैसे पहला राइट फिजियोलॉजिकल लोब जो है वो डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में, और लेफ्ट फिजियोलॉजिकल डिवाइड होती है मीडियल और लेटरल पार्ट में. राइट एंटीरियर पोस्टीरियर में और लेफ्ट मीडियल और लेटरल पार्ट्स में डिवाइड होती है.
इन पार्ट्स का हर एक इनमें से ईच ऑफ दीज पार्ट, हर एक पार्ट जो है वो वापस फर्दर डिवाइड होता है अपर और लोअर पार्ट में, और इस तरह से 8 सर्जिकली रिसेक्टेबल हिपैटिक सेगमेंट्स बनाते हैं। वेन्स ड्रेन होती हुई इन हिपैटिक सेगमेंट को ड्रेन करती है, इंटर सेगमेंटल दैट इज दे ड्रेन मोर देन वन सेगमेंट, मतलब इसका मतलब वो जो ड्रेन हो रही है वो एक से ज़्यादा सेगमेंट को ड्रेन करती हुई हैं, क्योंकि इंटर सेगमेंटल इनका ड्रेनेज पाया जाता है। वही डायग्राम में देखिए, चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आएगी। ये राइट लेफ्ट लोब दिखाई गई है, ये इसका एंटीरियर सुपीरियर सरफेस है लीवर का। ये ट्रू फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर हैं जो कि 2 नंबर में दिखाई गई हैं। फिर ये पोस्टीरियर और एंटीरियर सरफेस दिखाया गया, और उधर लेटरल और मीडियल सरफेस दिखाई गई है, इस तरह से डिवाइड हो रही है। फिर ये 8 कैसे हुए यहाँ पर गिन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट और मीडियल हिपैटिक वेन बताई गई हैं, राइट हिपैटिक वेन दिखाई गई हैं, ये लेटरल सुपीरियर लेटरल इन्फीरियर सबसे लास्ट में, उसके आगे मीडियल सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर, फिर इस कॉर्नर में एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर इन्फीरियर, ये तो आपको दिखाई दे रही हैं टोटल 6। और फिर इसके पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर, तो हो गई 8 सेगमेंट्स लीवर के, ये 8 सेगमेंट्स होते हैं। अब कोइनोड सेगमेंट देखिए, कोइनोड ने एक नॉमनक्लेचर दिया था जिसके अकॉर्डिंग हिपैटिक सेगमेंट को 1 से 8 तक नाम दिया गया था। 1st to 4th जो है लेफ्ट हैमी लीवर में है, जबकि 5th से 8th तक जो है वो राइट हैमी लीवर के अंदर आती हैं। इस नॉमनक्लेचर के अनुसार सेगमेंट 1 जो है वो कॉर्डेट लोब के कॉरस्पॉन्ड, और सेगमेंट 4th जो है वो कॉर्डरेट लोब के कॉरस्पॉन्ड होता है। सेगमेंट 1st से 4th लेफ्ट लोब का, उसको हिपैटिक आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच सप्लाई कर रही है और पोर्टल वेन की लेफ्ट ब्रांच सप्लाई कर रही है, और ये लेफ्ट हिपैटिक डट के थ्रू ड्रेन्ड होता है। जो 1st से 4th लेफ्ट लोब है उसको हिपैटिक आर्टरी की लेफ्ट ब्रांच और पोर्टल वेन की लेफ्ट ब्रांच सप्लाई कर रही है और ड्रेन हो रहा है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से, जबकि सेगमेंट 5th to 8th जो है राइट लोब का, उसको पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी की राइट ब्रांच सप्लाई कर रही है, राइट हिपैटिक डक्ट से ये ड्रेन हो रहा है। ये भी आपको डायग्राम में अच्छे से बताया हुआ है, देख लीजिए आप इसे डायग्राम में, समझ में आ जाएगा आपको। ये कोइनोड सेगमेंट है, उसने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। अब पेरिटोनियल रिलेशन देखिए, अधिकतर लीवर जो है वो पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड रहता है। जो एरिया कवर्ड नहीं रहता पेरिटोनियम से वो कौन सा है? एक तो बेयर एरिया, लीवर का बेयर एरिया, ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो राइट लोब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर पाया जाता है। दूसरा फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के इन्फीरियर सरफेस पर राइट और क्वाड्रेट लोब के बीच में होता है। तीसरा ग्रूव फॉर आईवीसी, जो कि लीवर के राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। फिर ग्रूव फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और लास्ट पोर्टा हिपैटिस। ये सारे सेगमेंट्स बेयर एरिया ऑफ द लीवर, फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर, ग्रूव फॉर आईवीसी, ग्रूव फॉर लिगामेंटम वेनोसम और पोर्टा हिपैटिस, इन सब के ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं पाई जाती। अब लिगामेंट्स देखिए भाई, 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, फॉल्स और ट्रू लिगामेंट्स। फॉल्स लिगामेंट एक्चुअली पेरिटोनियल फोल्ड हैं, इसमें फैल्सिपॉरम लिगामेंट आता है, कोरोनरी लिगामेंट, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेसर ओमेंटम आते हैं। जबकि ट्रू लिगामेंट्स एक्चुअली रेमिनेंट्स होते हैं फीटल स्ट्रक्चर के, इसमें लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस और लिगामेंटम वेनोसम आते हैं। लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस और लिगामेंटम वेनोसम। अब रिलेशन देखिए, डायफ्रामेटिक सरफेस का सुपीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस सब पर रिलेशन है। सुपीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स राइट और लेफ्ट पार्ट है इस सरफेस के, जो फिट हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग डायफ्राम के डोम्स में, जो कि सेपरेट करता है इसको कॉरस्पॉन्डिंग लंग और प्लूरा से। सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया है इस सरफेस का, जो कि डायफ्राम के सेंट्रल टेंडम से रिलेटेड है, जो कि सेपरेट कर रहा है हार्ट के पेरिकार्डियम से इसे।
इसलिए इस एरिया को अक्सर अपन कार्डिक इम्प्रेशन कहते हैं, क्योंकि हार्ट के पेरिकार्डियम से इसको सेपरेट कर रहा है। जो सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया होता है सरफेस का, इसको सेंट्रल टेंडम डायफ्राम से इसका रिलेशन है और इसको हार्ट के पेरिकार्डियम से अलग करता है, इसलिए इसको अपन कार्डिक इम्प्रेशन कहते हैं। जबकि एंटीरियर सरफेस जिसमें ज़िफॉइड प्रोसेस है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है मीडियन प्लेन में और हर एक साइड पर डायफ्राम है, ये फैल्सिपरम लिगामेंट जो है सरफेस पर जुड़ा होता है लिटिल टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, मीडियन प्लेन के थोड़ा सा राइट में ये होता है। राइट लेटरल सरफेस डो डायफ्राम के अपोजिट 7th से 11th रिब में मिड एक्सिलरी लाइन में पाया जाता है। मिड एक्सिलरी लाइन में 7th टू 11th रिब्स के अपोजिट डायफ्राम में ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी पोस्टीरियर सरफेस अपन देखें, एंटीरियर वगैरह हो गई, तो ये सरफेस प्रेजेंट है लीवर के बेयर एरिया, आईवीसी के ग्रू, कॉर्डेट लोब, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम और पोस्टर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब में। जो लीवर का बेयर एरिया है वो ट्रायंगुलर एरिया है, आईवी ट्रायंगुलर एरिया है राइट ऑफ ग्रूव के लिए, राइट ऑफ ग्रूव फॉर द आईवीसी, जो कि कोरोनरी और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट की दो लेयर्स के बीच में पाया जाता है। ये डायफ्राम के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, जबकि सुप्रा रीनल ग्लैंड जो कि इन्फीरोमीडियल पार्ट है इस एरिया का, उससे रिलेटेड होती है, मतलब आईवीसी के ग्रूव के एकदम पास में, ग्रूव फॉर आईवीसी के एकदम पास। ग्रूव फॉर आईवीसी, जैसा इसका नाम पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये आईवीसी की लॉज होती है। ग्रूव फॉर आईवीसी क्या है, आईवीसी की एक लॉज है। कॉर्डेट लोब सुपीरियर रिसेस से रिलेटेड है, लेसर सैक के सुपीरियर रिसेस से रिलेटेड है। ईसोफेगस जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम के अपर पार्ट के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में ईसोफेगस, और यही क्या बनाती है फिर ईसोफेजियल इम्प्रेशन बनाती है। ईसोफेगस के उस पार्ट में लगी हुई है तो क्या बना रही है, ईसोफेजियल इम्प्रेशन। स्टमक का फंडस जो है वो ईसोफेजियल इम्प्रेशन के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर स्टमक इससे जुड़ा पड़ा है। ये सब स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, पास पास चिपकी हुई स्ट्रक्चर है, तो कौन से स्ट्रक्चर कहाँ किस वक्त कैसे चिपकी है वो यहाँ पर बताया गया सरफेस पर। ईसोफेगस कहाँ चिपका हुआ है, फिशर फॉर लिगामेंटम के जस्ट अपर पार्ट में। स्टमक का फंडस कहाँ है, ईसोफेजियल इम्प्रेशन के जस्ट लेफ्ट में से रिलेटेड होता है। अब इसकी विसरल सरफेस जिसको आप इन्फीरियर सरफेस कहते हैं, लेफ्ट लोब की इन्फीरियर सरफेस जो है वो स्टमक से रिलेटेड है, जो कि गैस्ट्रिक इम्प्रेशन बनाती है। इसी तरह से फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम के लेफ्ट साइड के पास में है, ये सरफेस जो है वो स्लाइट एलिवेशन के साथ में प्रेजेंट होती है, जो कि लेसर ओमेंटम के साथ में कॉन्टैक्ट में आती है, इसलिए अपन इसको ट्यूबर ओमेंटेली और ओमेंटल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेट लोब जो है वो स्टमक के पाइलोरिक एंड से रिलेटेड है और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर जो है वो गॉल ब्लैडर के द्वारा गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ में ऑक्यूपाई रहती है, जबकि राइट कॉलिक फ्लेक्सर जो है वो इन्फीरियर सरफेस के साथ में लिटर्ड रहता है, गॉल ब्लैडर कॉलिक इम्प्रेशन के राइट के साथ में। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो ड्यूडेनम का है उसका जंक्शन जो है वो राइट अपर फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, जो कि ड्यूडेनल इम्प्रेशन प्रोड्यूस करता है। राइट किडनी इन्फीरियर सरफेस और पोस्टर टू द कॉलिक इम्प्रेशन होता है और राइट ऑफ द ड्यूडेनल इम्प्रेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि क्या बना रहा है, रीनल इम्प्रेशन बनाता है। और जो चीज़ें मैंने सारी बोली है वो इस डायग्राम के अंदर अलग अलग कलर की स्ट्रक्चर के साथ में दिखाई गई है, देखिए आप अच्छे से तो ये आपको चीज़ें सारी समझ में आएगी। ये अपना लास्ट डायग्राम है जिसको आपको देखना है। ईसोफेजियल इम्प्रेशन मैंने आपको बताया वो कहाँ पे है, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन कहाँ है, ट्यूबरकुलोमेंटन ओमेंटली कहाँ पे है, पाइलोरिक इम्प्रेशन कहाँ पे है, देखिए अच्छे से पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।